वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी? हम अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। हाँ जी, हम मेहंदियाँ लगा रहे हैं। ये शादी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, शादियाँ जो आधी फंक्शन हो चुके हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। माशाल्लाह से हमारे भाई आ रहे हैं वाद से वापस, तो हम लगा रहे हैं वो मेहंदियाँ। हम भाभियाँ बड़े छोटे हम जितनी थी ना, हम लोग भतीजियाँ वो सारे लगा रही हैं मेहंदी। जो बच्चियाँ हैं वो बड़े ना शौक़ था, बाबा आ रहे हैं तो बड़े प्यार से मेहंदी लगा रहे हैं। वैसे तो इनको मेहंदी लगाना बहुत मुश्किल तरीन काम होता है। उस साथ जो हमारी मेहंदी लगाने वाली है भाभी, उसको हम लोगों ने दिया साथ से चाय पानी जूसेस वगैरह, ये हम लोग साथ रखा। चाय पानी कह रही हूँ लेकिन जूस वो राइस वगैरह थे, ये सब बनाए थे। हम साथ साथ बैठे गपशप लगा रही हैं, साथ खाना पीना हो रहा है, साथ साथ मेहंदी लग रही है। हाँ जी, पहले आई है बिया की बारी। पहले लगाई है बिया ने मेहंदी, लेकिन बिया जो है ना उसने ना काफ़ी देर ना हाथ रख रखा उसने, जो ये देख मुंह बना रही है, कहती है कभी इधर खारिश हो रही है, कभी इधर खारिश हो रही है, कभी मेरे मुंह पे बाल आ रहे हैं। बच्चों को मेहंदी लगाना बहुत मुश्किल। ये है जी मैडम की जो है ना वो, हम हंस हंस के हमने कहा जो मैडम है ना ये मेहंदी लगवा रही है, इसकी हो गई है शुगर लो हो गई है, और अब इसलिए साथ साथ मैडम को जूसेस पिलाए जा रहे हैं। अब आई बारी हमारी, फिर हमने मेहंदी लगाई। फिर आई जी दूसरी भतीजी की बारी। ये जिया मैडम मेहंदी लगा रही हैं, ये सोई हुई थी, हमने इसे सोया उठाया, हमने कहा चलें जी जल्दी करें मेहंदी लगाएं। मेहंदी इनको थोड़ा ही देर, बिल्कुल थोड़ी देर लगाएंगे हम लोग मेहंदी, ताकि बच्चों की स्किन है, बेबी स्किन, तो बस इनका शौक़ था वो हमने पूरा करना है, और बस थोड़ी देर लगाएंगे 10 मिनट, फिर जल्दी से हम लोग ना वॉश कर देंगे। अब जो छोटी वाली बेबी है ना वो रह गई है। ये जी ये मैडम जो थी, ये मैडम गुट्टी में सोई हुई थी अपने झूले में। जैसे ही हम लोगों ने ना उसका हाथ पकड़ा तो मैडम फौरन जाग गई, सही ना, बेटर बेटर देखने लग पड़ी। तो ये जी हम ना 3 लोग थे इसके हाथ पकड़ने वाले, और साथ साथ इसको लग रही है मेहंदी। माशाल्लाह जी कितने प्यारे छोटों से हाथ उसके ऊपर लग रही है मेहंदी, और इसको ये बेचारे देखने लगे, ये पता नहीं क्या हुआ, सारे लोग मैं यकदम सोई हुई थी, यकदम पता नहीं मैं क्या उठी हूँ, यकदम जो कहते ना वो वक्त बदल गया, हालात बदल गए, ऐसे ये क्या हो रही है ना, देख रही है कि क्या हो गया। सारे इतने ऊपर मेरे आ गए हैं, बातें कर रहे हैं, मोबाइल पकड़ी हुई हैं, फ्लैश लग रही हैं, और मेरे हाथ पता नहीं इन्होंने क्यों पकड़ लिए हैं, वो हाथ छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो ये जी इस मैडम के जहाँ इतने प्यारा माशाल्लाह से फूल बना, और हमने हाथ ना फिर भी पकड़ा रखा भाई, जैसे ना दूसरा हाथ पे ना वो फूल बन जाएगा तो हमने फ़ौरन इसको ना वाइप से ना साफ़ कर देंगे, ताकि बस थोड़ा सा इसको कलर आ जाएगा, पता चल जाएगा किसकी मेहंदी रहेगी, क्योंकि बेबी स्किन ये देगी। हमने इतने मुश्किल से पकड़ा होते साथ रो रही है पता नहीं क्या। ये जी बस ऐसी लगी और ये फ़ौरन रंग आ गया बेबी का। तो ये जी बस इतने ही हम लोग लगाए, जस्ट फूल बनाया और फ़ौरन। हाँ जी, उसके बाद जी वो था रात का टाइम, ये हुई हम लोगों की सुबह, उन्होंने 9 बजे पहुंचना था। हम लोग सारे हुए रेडी, और बच्चे छोटे बड़े वैसे 9 बजे तक कोई जागता नहीं है, तो और आज सुबह सारे ना 6 बजे ना रेडी हो गए, 6 बजे उठे, फिर 7 बजे तक हम निकल जाएंगे, कुत्ते कुत्ते 8 हो ही गए थे। और जी ये जी हम लोग सारे हो गए हैं रेडी, और सामान रख रहे हैं गाड़ी में, फूल गुलदस्ते जो हम लोगों ने मंगवाए, हार शार और साथ पीने वाले। ये जी मैडमें हुई हैं तैयार, और आगे जो है ये पानी बोतलें गिलास बच्चों के लिए, कूलर शूलर सब कुछ रखा। ये जी हम लोगों ने आज मंगवाया है ये, इसको कहते हैं वैसे तो पंजाबी में इसको कहते हैं बक्सा टाइप कहते हैं, तो वो हम लोगों ने मंगवाया क्योंकि हमारी जो है ना फैमिली अपनी जो हमारे घर वाले हैं, 3 घर वाले इतने सारे हैं माशाल्लाह से, तो हम लोग ना इसमें ही आएंगे। तो हम लोग ये आए, वैसे और भी 2 गाड़ियाँ थी लेकिन हम लोग अपने वो थे ना सारे, इसके अंदर ही इकट्ठे आए। हम लोगों ने कहा कि इकट्ठे जाएंगे, गपशप बंद लगाता है, और आज ही साथ वापस लेके आएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये जी बिया जिया जो है ना मैडम, इन ये लोग सोई हुई थी तो ऐसे ही हम लोग इनको उठाया, और रास्ते में फिर हम लोग इनके करते हैं कपड़े चेंज। ये जी अभी हम जा रहे हैं, अमल मैडम जो उसको तो मैंने उठाया, वो तो पहले ही उठ गई थी, उसने कपड़े डाले, मैंने कहा रास्ते में आपकी पौनियाँ कर दूँगी। ये जी हम लोग पहुँच गए हैं बलकसर, और अभी साथ साथ टाइम देख रहे हैं, और फ्लाइट का टाइम तो यही था 9 बजे, लेकिन जाहिर सी बात है उनको सामान लेते हुए निकलते निकलते फिर जो है ना वो टाइम लग जाएगा। अभी हुई है हम मोटरवे पे चढ़ रहे हैं, और बस यही है कि जल्दी जल्दी जो है हमारा सफ़र ख़त्म हो। और ये जी मैडमें जो है ना ये हुई हैं रास्ते में रेडी, इनके बाबा आ रहे हैं, और ये जी अभी इनको ने ड्रेस पहने, और साथ साथ मैडम की बन रही हैं हेयर स्टाइल, इसलिए इनको गप से कपड़े नहीं बनाई है। देखिए मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है, छोटी सी रिंग पहनी है बटरफ्लाई वाली,
पहले बेचारी सोई हुई थी, उनको उठी हैं अभी तक जैसे नींद में ही है, और सुबह सुबह जागी हैं, तो बेचारी का कोई मसला नहीं है। अभी तो बाबा मैं अभी तो खुश खुश मिलो, फिर वापस आके तुम लोगों ने सख्त गर्मी है, दिन में सो जाना, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम सारे ही सो जाएँ कैसे। ये जी बिल्कुल हुई है, बिया भी रेडी हो गई है, और बिया का पहले बना है हेयर स्टाइल, अब जिया के बारे में, जिया बन रही है। और छोटी वाली मैंने हंस रही थी सबसे, मैंने हंस रही थी जो छोटी वाली जो है ना, उसके ना सा उसका ऐसा हेयर स्टाइल बनाना है, लेकिन भाई पता चल जाए कि आप इतना अच्छा हेयर स्टाइल बनते, लेकिन वो तो बेचारी उसकी तो टेंड हुई है, उसके सर पे बाल ही नहीं है। अच्छा जी, ये जी अमर मैडम जान बूझ के लेटी हुई हैं, जान ड्रामे कर रही है, मुझे नींद आ रही है। और अमर फातिमा की जो है ना इतना ज़्यादा है, इसने 10-2 दिन पोनियाँ लगाई और चुटकियाँ लगा दी, उसका जो है बाल थे ना पहले बहुत बड़े थे, बन जाता था हेयर, अब बन जाता था, लेकिन मैंने कहा खैर रहें तो फिर तो देर बाप ने फिर खोल देना, तो पोनियाँ लगी होंगी तो कुछ तो रहेगा ना आपके सर पर। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब, बस हम लोग की जो है चेकिंग वगैरह होती है, फिर ये देखिए साहब इतनी गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ थी, इतनी आ रही थी जो है हर किस्म की ना सजावट से सजी हुई थी, कोई फ्रेश की, कोई कैसी फ्लावर्स की। और ये जो हाजियों का लेने आ रही हैं, जैसी बात है बहुत खुशी की बात है। ये जी हम लोगों ने भी बुके लिया मामों के देने के लिए, अम्मा फातिमा ने पकड़ा, मैंने कहा था मैं दूंगी मामू को बुके, मैंने खा के मिसल लेनी मेरा बच्चा, हार वगैरह सारे कुछ लिए। और ये इधर भी देख सकते हैं आप, इसमें बहुत सारी गाड़ियां इसमें आ रही हैं, जो जो डिफरेंट जो है ना सेज के साथ, ये हम जी फूल हम लोगों ने उठाए और हम हो रहे हैं इंटर एयरपोर्ट पे। इतना रश था, बहुत हद से ज़्यादा रश था, और पहले कहाँ पे बंदा खड़ा होता था और पता चल जाता था, और अब तो इतना रश था बिल्कुल लास्ट निकलने तक ना वो सारे ना वो उन्होंने जगह बंद की हुई थी, जाहिर सी बात इतना रश है, इतने हाजी की हज करने के लिए, तो फिर रश तो बहुत ज़्यादा था। ये जो बच्चों को लगी भूख, और अभी हम कर रहे हैं वेट के, अभी तक वो जो है सामान वगैरह ले रहे हैं, जो इतना ज़्यादा रश, अब कब आ रहे हैं आराम आराम से लोग। ये जी बच्चियाँ जो हैं वो बुकेज लेके खड़ी हुई हैं, वेट कर रही हैं कि ये जमल बैठी हुई है, मैडम वो भी है जी सारी के आए, मामू आए हैं, बाबा हैं, ये जी आ रहे हैं लोग सारे साथ साथ एक, ये जी फाइनली अमल फातिमा के जो मामू हैं वो आ गए हैं, अमल और भी जो है वो बाग की गई हैं, सबसे पहले ये मिली दोनों। हम भी कब से वेट कर रहे थे, और इतनी मुश्किल से हम लोग वीडियो बना रहे थे, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा रश था और आगे ना आना ज़रा मुश्किल था। ये जी भी अब आएगी जिया की बारी, अब जी जिया मिली यानी बाबा को, अब आते हैं बाबा, फिर अब निकलते हैं तो फिर हम सारे आगे से मिलते हैं। ये इतना ज़्यादा रश था, और माशाल्लाह से देख कितना खुश होता था, इतनी सारे यंग लोग जो आ रहे थे सारे हज से वापस, यंग जो है ना एज उसमें जो है ना हज का तब भी मज़ा है। ये जी सारे सामान के ऊपर बच्चियाँ गई थक उसके ऊपर बैठ गई कि हम लोगों ने तो अब इसके ऊपर जाना है, और अब जी हम लोगों ने वापसी का रास्ता पकड़ा, अब हम लोग एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। चलें जी अब हम निकलते हैं, और फिर आधे लोग जो है ना वो पहले पहुँच गए हैं कि उनको वेलकम शेलकम करते हैं, उसके बाद फिर ये जो है फिर खाना वगैरह और फिर सारे हम करते हैं आराम। लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि आज से वापस आए तो सारा दिन ये ना कि सबका आना जाना जो है ना वो लगा ही रहेगा, फिर बच्चियों के रास्ते में भूख लग गई। मैंने जो आड़ू और कुछ रखी थी फ्रूट्स और बिस्किट्स वगैरह, अच्छा और हम लोगों का ना सफ़र ये था कि बच्चे भी थे ना वो बोर होने लग पड़े, ख़त्म होने का नाम नहीं रहा था, ये हम लोग साथ में खेलने लग पड़े ऐसे ना फिंगर से, ये फिंगर ऐसे रखो तो आपस में ना चिपकने लग पड़ती है। तो ये जी फिर हम लोगों ने रास्ते में हम लोगों ने लिए जूसेस और कोल्ड ड्रिंक, बच्चों के लिए जूसेस, अपने लिए कोल्ड ड्रिंक, सब ने हम लोग ट्रेडिशनल वो की। और जब हम रास्ते में आ रहे थे, हम घर वापस आने लगे तो ये रास्ते में खड़ा हुआ, जहाँ पे सड़क बन रही है यहाँ पे रास्ता मना है, हम लोगों का हमारे अपना घर ही इधर है, प्लीज़ खोल दें, हम लोग इधर ही जाना है, इतने हम लोग टमन थोड़ी जाने। चले जी अब हम लोग घर में हो गए हैं इंट है, और सबसे पहले काम हम लेडीज़ का ही होता है, आते सार हम लोगों ने खाना पीना जो है ना वो साथ साथ शुरू कर दिया। और ये जी बर्तन शर्तन धोए जा रहे हैं, साथ साथ जो खाना शाना है वो खाया जा रहा है, साथ साथ जल्दी जल्दी काम फिनिश कर रहे हैं, फिर आते जाएंगे जी चिकन जो था आलू चिकन वो बना हुआ था सारा। और आज के फिर बुला के यहीं पे एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे, दुआ में याद रखना, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगा। और ये जी हम लोग जो जो मेहमान आ रहे हैं उनके हम लोग दे रहे हैं मिठाई,
खजूर और साथ साथ मैडम का पानी। बाय बाय।